हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर हमने आप सबके लिए शुरू किया है उम्मीद बैच विच इज़ अ फ्री बैच जिसमें हम सी बी एस ई क्लास टेंथ की बोर्ड्स की तैयारी करवा रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में करवाया जा रहा है विद प्रीवियस एयर क्वेश्चन विद वन शॉर्ट रिविजन सेशन इंपॉर्टेंट सेशनस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसी तरीके से मेरे भी सेशन बच्चे चल रहे हैं मैंने ऑलरेडी काफी चैप्टर्स का आपको one revision दे दिया है और मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी सेशन में अपलोड करूं आप सबके लिए सो देट वन शॉर्ट तो आप देखते आ ही रहे हो उम्मीद बैच में साथ साथ आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो आज का जो सेशन है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एनसीआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारी चीज़ें करने वाले हैं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने ये लिखा भी है वो कितने मार्क्स का आया था कौन से ईयर में आया था तो अगर आज आपने ये लाइफ प्रोसेस का सेशन पूरा अटेंड कर लिया तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से आ जाए अगर आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है तो मैं पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के के क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं हैं जितने जितने भी जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस एक सिंगल सेशन में मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू सो वेलकम एवरी वन माई नेम इज हिमाल शर्मा आई एम एन अकेडमी प्लस एडुकेटर और प्लस पर मैं सीबीएसई क्लास नाइन और टेन कैटेगरी को साइंस पढ़ाता हूं साइंस में मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी तो आपको क्या करना है उम्मीद बैच में मेरे साथ जुड़े रहना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है कि जब भी मैं इस तरह के अमेजिंग सेशन आपके लिए लेके आऊं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के करेंगे फिर हम एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे पहला क्वेश्चन वाई डू हर्बी हैव लॉन्गर स्मॉल इंटस्टाइन एन कार्निवोर्स की हरबी वोर्ड्स की ज्यादा लॉन्गर स्मॉल इंटस्टाइन क्यों होती है अगर हम कार्निवर्स से कंपेयर करें तो इसका आंसर देखते हैं द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड द ईट तो सबसे पहले आपको यह चीज बतानी है कि स्मॉल इंटस्टाइन का काम क्या है जो फाइनल डाइजेशन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है डिपेंड करता है कि वो वाला ऑर्गेनिज्म किस तरह का खाना खाता है सेलुलोस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज़ डाइजेस्टेड विद डिफिकल्टी और आपको पता है ग्रास में प्लांट्स में सेलुलोस होता है वो वाले प्लांट्स नहीं जो हम खाते हैं उसमें सेलुलोस नहीं होता है बट जैसे काओ गोड बफेलो ये जो हर्बी वोर्स है जो ग्रास खाते हैं इस तरह के प्लांट्स खाते हैं उसमें सेलुलोस होता है और सेलुलोस डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है सो द हर्बी वोर्स एनिमल्स लाइक काउज विच ईट ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेोज प्रेजेंट ग्रास टू बी डाइजेस्टेड कंप्लीटली क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लगता है तो इन हरबी वोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो लंबी होती है लॉन्गर होती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सेलुलोज जो है इजिली डाइजेस्ट हो पाए अगला क्वेश्चन करते हैं दिस इज एन एम सी क्यू ग्लाइकोलिस अक्कर विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लाइकोलिसिस सेल के कौन से पार्ट में होता है तो आपको पता है अकर्स ग्लाइकोलिसम ग्लाइकोलिसिस क्या होता है जिसमें सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल होता है दैट इज ग्लूकोज वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में दैट इज योर पायरोवेट तो ये कहां पर होता है साइटोप्लाजम में ही होता है <laughs> अगला सवाल सी बी एस ई टू थाउजेंड ट्वेल्व के एग्जाम में आया था यह थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है नेम थ्री डिफरेंट ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डायजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूम तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमस का होता है उसमें कौन से थ्री ग्लैंड मेन है उसके बारे में हमें बताना है ऑल्सो नेम दे सिक्रीशन और वो क्या सिक्रीट करते आपको ये भी बताना है तो मैं आपको सिखाता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है तो so, सबसे पहले हम लिखेंगे द थ्री ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डायजेस्ट सिस्टम आर एस फॉलोर्स पहला आ गया ग्लैंड पहला ग्लैंड जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ प्रोड्यूस सलाइवा तो जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे माउथ में वो क्या प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस करता है और जो saliva होता है वो एक एंजाइम जो है कंटेन करता है और उस एंजाइम को हम कहते हैं in जो क्या करता है कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है सेकेंड लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड विद्रीट बाइल एंड पोर्स इट सिक्रीशन द डूडेम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लिवर आ गया लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है जो क्या करता है डूडेनम में बाइल को डालता है बाइल सॉल्ट बाइल जूस बाइल जूस की सिक्रीशन करता है डूडेनम में डूडेनम इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन सोडर पेनक्रियाटिक एनजाइम के नाटॉन इट

फ़ैट्स को फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रोल में कन्वर्ट करता है बट लाइपेस कैन ओनली कन्वर्ट स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स वो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो लिवर क्या करता है इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है लिवर बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट क्या करते हैं इन बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 फैट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं नेक्स्ट थर्ड आ गया पेनक्रियाज सो पेनक्रियाज इज ऑल्सो अ लार्ज ग्लैंड विच सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस इन टू द डोडनम तो पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाज है वो भी एक बड़ा ग्लैंड है जो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है डोडनम में तो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स अब पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या कंटेन करता है सो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स पेनक्रियाटिक एमाइलेज विच ब्रेक डाउन द स्टार्च अगर कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च जो बचा होता है वो पिनक्रियाटिक एमएलएस उसको ब्रेक डाउन कर देता है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन फिर यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लाइपेस विच ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स फिर लाइपेस होता है जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं जो स्मॉल स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रोल में एंड पिनक्रियाटिक जूट एक्ट्स ऑन एल्कलाइन मीडियम अभी मैंने आपको बताया था जो पेनक्रियाटिक जूस है वो well मीडियम में ही एक्ट करता है तो ये रहा हमारा थ्री मार्क्स का क्वेश्चन जो अब हम, हमने प्रिपेयर किया अगला ये हमारा एक एमसीक्यू है सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एबजॉर्बडेड किस में फूड बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन होता है और फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है दिस सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस मोड मोड ऑफ ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक कहते हैं जो किस में होता है इनमें येस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड तो आंसर बी इज करेक्ट अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया है थ्री मार्क्स का तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं इसको द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सो इक्वैटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो पानी में रहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो लैंड में रहते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है है ना सांस लेने का जो रेट है वो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फास्टर है इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जल्दी 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 सांस लेते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो गिव रीजन सबसे पहले आपको इस चीज़ का रीज़न देना है स्टेट द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम नॉस्ट्रू लंग्स इन ह्यूमन बींग्स और उसके बाद आपको पाथवे बताना है एयर का नॉस्ट्रल्स तक तो ये पूरा क्वेश्चन आपके थ्री मार्क्स का है फ्रॉम योर टॉपिक रेस्पिरेशन तो चलिए इसको करते हैं तो सबसे पहले द एनिमल्स विच लिव इन वॉटर एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो वॉटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉटर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं वो वाला ऑक्सीजन यूज करते हैं जो वाटर में डिजोल्व होता है सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर बट जो वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है बट एयर में तो ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है देआर द रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन टेस्टिड एनिमल्स अब एक्वाटिक एनिमल्स को कम ही ऑक्सीजन से काम चलाना है तो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है वो बहुत जल्दी 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 सांस ले रहे होते हैं और उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है अ फास्टर रेट ऑफ़ ब्रीदिंग प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू एक्वाटिक एनिमल्स और ये जो फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है इसका फ़ायदा क्या होता है एक्वाटिक एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाता है पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमन बींग्स तो एयर का पाथवे ह्यूमन बींग्स में क्या है सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल्स के पीछे वाला हिस्सा फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद हमारा वॉइस बॉक्स आ गया लैरिंग्स लैरिंग्स के बाद हमारी विंड पाइप आ गई ट्रैकिया ट्रैकिया के बाद फिर आ गया ब्रॉन्काई जो दो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स है फिर ब्रोंक्यूल जो फर्दर ब्रांचेज हैं और उसके एंड पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना प्रेजेंट होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो थिन कैपलरी से रिच होते हैं दैट इज एलवोली तो ये रहा पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमन बींग्स अगर पांच नंबर का होता तो डायग्राम भी बना देते बट टू प्लस वन है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है चलो नेक्स्ट बाइल जूस डॉट कंटेन एनी एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंटिक टू थाउजेंड फिफ्टीन में दो नंबर का क्वेश्चन आया था रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया था तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि बाइल जूस में तो कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता बट बाइल सॉल्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स स्टेट रीजन कि इवन बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता लिवर कोई एंजाइम सिक्रिएट नहीं करता बट स्टिल बाइल सॉल डाइजेशन के लिए या एब्सॉर्बेशन ऑफ फैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको रीजन देना है तो चले करते हैं तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएटेड बाय द लिवर बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है क्यों क्योंकि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है और इसको कौन से करता है लिवर से करता है ऑल दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स इवन बाइल सॉल्ट में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन में बाइल इज एल्कलाइन एंड कंटेन सॉल्ट विच हेल्प टू इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड बाइल क्या है एल्कलाइन है बाइल की नेचर क्या है बेसिक uh, है और ये फूड को भी बेसिक बनाता है और इसके अंदर सॉल्ट होते हैं जो क्या करते हैं जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी पिछले पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था फैट्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं इमल्सिफाई कर देते हैं दस बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शन बाइल जो है वो दो फंक्शंस परफॉर्म करता है पहला फंक्शन कौन सा है मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एक्ट ऑन इट कि वो फूड जो स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसा है वो एसिडिक है उसको पहले एल्कलाइन बनाएगा सेकेंड बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इंटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट ईजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट दम तो ये बाइल सॉल्ट क्या करता है बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारे लाइपेस है वो आसानी से उसको फैट्स को डाइजेस्ट कर पाता है चलिए जी अगला क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है मैच द कॉलम करना है और एम के फॉर्म में करना है ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम वन एंड को रिलेट फंक्शनिंग इन कॉलम टू देखो फर्स्ट क्या है हमारा ये हमारा माउथ है तो यहां पर क्या होता है इनिशियल फेज ऑफ फैट्स स्टार्च डाइजेशन तो फर्स्ट का बी आ गया तो फर्स्ट का भी फर्स्ट का भी मतलब बी और सी में से आंसर हो सकता है सेकेंड हमारा क्या हो गया सेकेंड हमारा लिवर आ गया ये क्या करता है इंक्री uh, ये हो गया इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेस एक्शन है ना लाइपेस एक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाता है क्योंकि जो लिवर है वो क्या सिक्रिएट करता है हमारा बाइल सॉल्ट तो हमारा सेकंड का सी आ गया चलो जी सेकंड का सी तो बी ऑप्शन करेक्ट है बाकी भी देख लेते हैं थर्ड का डी थर्ड आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स बिल्कुल सही और फोर्थ में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड जी तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन है तो बिल्कुल सही बी ऑप्शन इज करेक्ट बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है चलो जी अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर राइट अदर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एल्वेलर सैक एंड वॉइस बॉक्स क्वेश्चन आया था 2015 में तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द ट्रैकिया तो हम लिखेंगे द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग पासिस थ्रू द ट्रैकिया जो भी एयर हमारे नॉस्ट्रिल्स से आ रही है वो ब्रीदिंग के टाइम कहाँ पे पास करती है ट्रैकिया से जो हमारी विंड पाइप है द ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन वेन देर इज नो एयर इन इट जब उसमें एयर भी नहीं होती तो ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता बीच में से ब्रेक नहीं करता बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट कार्टिलेजेस तो कार्टिलेज टिश्यू की रिंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रैकिया में जो एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जिसकी वजह से हमारा ट्रैकिया जो है कोलेप्स नहीं करता प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर सो प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल इन इंदर क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं क्योंकि प्लांट्स में एक प्लास्टिक का टाइप है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल मेक्स द प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर अदर नेम लिखने एल्वोलर सैक का तो एल्वोलर सैक का दूसरा नेम है एल्वोली और वॉइस बॉक्स का दूसरा नेम है लैरिंग्स चलिए एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं अमीबा की अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ टू मार्क्स का आएगा थ्री मार्क्स का है तो डायग्राम बना लेना टू मार्क्स में भी मन करेगा तो बना लेना बट टू मार्क्स में एक्सप्लेनेशन इज सफिशेंट अगर डायग्राम नहीं पूछी है अमीबा टेक्स इन फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ इट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया तो अमीबा क्या करता है फूड पार्टिकल को ग्रैप करता है फूड पार्टिकल को इनटेक करता है किसकी हेल्प से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सुडोपोडिया कहते हैं इन साइड इट सेल और फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड अराउंड द फूड पार्टिकल और जब वो फूड पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर लेकर जाता है उसके आसपास एक फूड वैक्यूल बन जाता है इनसाइड द फूड वैक्यूल कम्पलेक्स सबस्टैसेज आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर वन विच आर डिफ्यूज एन इंटू द सेल साइटोप्लाज्म तो फूड वैक्यूल में क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटैसेज होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर वनज में और वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं द रिमेनिंग डाइजेस्ट डायजेस्टेड मटेरियल सेंट टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट आप देखो एक्सक्रीशन तो अमीबा में भी होगा अमीबा भी वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस करेगा तो जो भी अमीबा वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस करता है वो अमीबा के सेल के बाउंड्रीज पर चला जाता है और सेल से ही डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इट मूव्स आउट दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इसको एंडोसाइटोसिस और ये भी आपको लिखना है ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है अमीबा में इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल एंड लेबल द फॉलोइंग तो आपको एक ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और इन सब पार्ट को लेबल करना है लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन डाइजेस्टिव एंजाइम है तो स्टमक पार्ट विर एच सल इज प्रोड्यूस स्टमक पार्ट विद डायस्टिड फूड इज एब्सॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन पहले तो उसको लेबल करेंगे फिर बी पार्ट में क्वेश्चन है आर विली एक्सप्लेन फंक्शन इन द सिस्टम कि विलीज क्या होते हैं और उनका डायजेस्ट सिस्टम में क्या फंक्शन होता है तो चलिए करते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर पैनक्रिया स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है आगे बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लेबल कर दी है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर पैनक्रियाज लार्ज इंटेस्टाइन तो आप पूरा डायजेस्ट सिस्टम का डायग्राम इसमें बना देना अब बात करते हैं विलीज क्या होते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एसेलीडाप्टेड फॉर एब्जॉर््पन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अगर आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ फंक्शन डाइजेस्ट करना नहीं है बल्कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाना भी है द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलीज वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस होता है ना उसमें खूब सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसको विली कहते हैं विच प्रोवाइड्स द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया इसकी वजह से क्या होता है जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की जहाँ पे फूड को डाइजेस्ट होना होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरफेस एरिया क्रिएट हो जाता है द लाज सरफेस एरिया हेल्प इन द रैपिड एबजॉर्बशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू each एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी और ये जो तो विलीज होती है ना ये किसकी बनी होती है ब्लड वेसल्स की बनी होती है विलीज में क्या प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्ब्ड फूड को हर एक बॉडी के सेल तक लेकर जाता है अगला क्वेश्चन ये हमने करना है एम सी क्यू के फॉर्म में केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ध्यान से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम स्टडी करनी है विद लेबल्स ए बी सी एंड डी और यहाँ पे लेबलिंग करनी है आपको ए बी सी एंड डी की सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक और आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देगा और मेन फंक्शन देगा ठीक है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चलो जी लेट स्टार्ट ट्रैकिया में लिखा है इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर तो फर्स्ट वाला ट्रैकिया है बट दिस इज रॉन्ग ट्रैकिया में बोनी रिंग्स नहीं प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया में कार्टिलेज वाली रिंग्स प्रेजेंट होती हैं रिब्स सेकंड वाला रिब्स है रिब्स सही है वेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर लिफ्टेड जब हम ब्रीद आउट करते हैं रिब्स हमारी लिफ्ट नहीं होती रिब्स बल्कि नीचे मूव करती दिस इज ऑल्सो रॉन्ग थर्ड एलवलीज है थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसिस दिस इज करेक्ट सी वाला पार्ट सही है क्योंकि लेबलिंग भी सही हुई है और उसका फंक्शन भी सही हुआ है डी वाला भी गलत है क्यों ये डी वाला डायफ्राम है चलो लेबलिंग तो सही है इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन नहीं जब हम ब्रीद इन करते हैं इट तो इज पुल्ड डाउन ठीक है जब हम ब्रीदिंग करते हैं वो हो जाता है नीचे की तरफ मूव करता है चलो नेक्स्ट ड्रॉ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग सो ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सो so, आपको ये सब पार्ट्स को लेबल uh, करना है जैसे ट्रैकिया एल्वोली रेस्पिरेटरी ब्रॉन्काइल ब्रौंक, ब्रोंकि एंड लैरिंग्स

पहला रोल ऑफ लंग हमने यहाँ पे लिखा है वेन वी ब्रीद इन एयर जब हम एयर को ब्रीदन करते हैं द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ चेस्ट कैविटी डायफ्राम अभी मैंने आपको बताया था ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है नीचे मूव कर जाता है जिससे कि चेस्ट कैविटी वाला एरिया बढ़ जाता है ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेज और जब ये चेस्ट कैविटी बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दस एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इन टू लंगस टू नॉस्ट्रल्स ट्रैक एंड ब्रॉन्काई तो अब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली बाहर एयर प्रेशर ज्यादा है तो डिफ्यूजन प्रोसेस में मूवमेंट कहाँ से होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो यहाँ से मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी जो एयर है वो लंग्स के अंदर मूव कर जाएंगी

तो सेल से जो एयर हमारे गैस हमारे लंग्स में आई होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वेन वी ब्रीद आउट एयर द डायफ्रैम रिलैक्स विद रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ चेस्ट कैविटी जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो क्या होता है आपका डायफ्राम क्या करता है रिलैक्स कर जाता है ठीक है तो चेस्ट कैविटी में प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है दिस कॉन्ट्रैक्शन पुश द एयर फ्रॉम द लंग्स इन दो ट्रैक किया प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो मूवमेंट होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो जो एयर होगी वो बाहर की तरफ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुश आउट होगी एंड देन आउट ऑफ द बॉडी इन टू द एयर ब्रीदिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहलेषन जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं उस प्रोसेस प्रोसेस को ऑफ़ इनहेलेशन कहते हैं ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और जब हम सांस छोड़ते हैं उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं वॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया ठीक है तो ट्रैकिया का क्या फंक्शन है इट इज अ ट्यूब दैट मेक्स कनेक्शन बिटवीन फैरिंग्स एंड लंग्स फॉर कैरिंग आउट एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स ठीक है तो ट्रैकिया क्या है एक कॉमन कनेक्शन है किसके बीच में फैरिंग्स के बीच में और लंग्स के बीच में एयर जब हम इनहेल करते हैं तो फैरिंग्स से वो लंग्स

ठीक है जिसमें हम सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं हमारा भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑफ द होलोजोइक अमीबा का भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी तो देखो फर्स्ट पर क्या सिक्रेट द एम आई सलाइवरी एमाइलेज बी आंसर हमें यहीं से मिल गया सेकेंड में स्टमक है तो पेप्सिन थर्ड में हमारा ये पैनक्रियाज है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट इज ट्रिप्सिन तो बी इज द आंसर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन देखो अब स्टोमेटल का पोर कब खुलेगा कब बंद होगा डिपेंड करता है वाटर कॉन्टेंट इन द गार्ड सेल्स अगर गार्ड सेल्स में हाई वाटर कंटेंट है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर एयर में चला जाएगा अगर हमारे गार्ड सेल में या प्लांट में वाटर की कमी है तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा सो दैट ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस और ना हो जाए वाई इज डिफ्यूजन इन सफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स अब कुछ एनसीआर टी के भी क्वेश्चन करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट क्यों होता है वाई डिफ्यूजन इज इनसफिशेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में हम डिफ्यूजन यूज क्यों नहीं करते ये पूछा जा रहा है इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरमेंट अब देखो जैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूम हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है सारे सेल्स हमारे एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है देर फॉर एवरी सेल ऑफ द बॉडी विल नॉट गट ऑक्सीजन एज पर नीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एनवायरमेंट अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होता तो हर एक सेल को तो ऑक्सीजन मिलता ही नहीं देर फॉर डिफ्यूजन इज इन सफिशेंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स अगला क्वेश्चन वट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशनोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक और में क्या डिफरेंस है इन दिसगे तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गैनिज्म अपना खाना खुद बनाता है ऑर्गेनिज्म सिंपल इन ऑर्गेनिक मटीरियल लाइक कार्बन डाइऑक्ट वॉटर एंड सिंथेसा फूड इन द प्रेन्स ऑफ सनलाइट तो वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज़ करता है सनलाइट की प्रेजेंस में करता है किसकी हेल्प से करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से करता है और वो कौन से हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑल ग्रीन प्लांट्स इन सम एल गे अंडर गो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है सारे हमारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ एल गे नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड इसीलिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करता है फूड के लिए ऑल द एनिमल मोस्ट बैक्टीरियन फनजाई अंडर गो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जितने भी एनिमल्स हैं ज्यादा ज्यादा बैक्टीरिया हैं और जो फंजाई हैंट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट वॉट इज द रोल ऑफ एसिड इन आर स्टमक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि हमारे स्टमक में एसिड का रोल क्या है चलिए करते हैं रोल ऑफ एसिड इन स्टमक इज टू मेक एसिडिक मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन देखो पेप्सिन तभी एक्ट करता है फूड पर अगर फूड हमारा एसिडिक हो तो वह एसिडिक फूड कैसे बनेगा स्टमक में विद द हेल्प ऑफ एचसीएल तो एच सी एल स्टमक रिलीज करता है टू किल बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन और ये जो एसिड होता है ये एक और चीज में हेल्प करता है अगर फूड में कोई बैक्टीरिया उसको किल करता है नेक्स्ट वॉट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या क्या है अब देखो ये वन मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ा ही लिखेंगे द फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर जो हम खाना खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं होता वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और वो कौन से मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन सो दैट वो एब्जॉर्ब हो पाए बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन नेक्स्ट हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर पाए तो जल्दी से करते हैं इस आंसर को द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरीके से बनाया गया है कि वहां पर मैक्सिमम एरिया होता है डाइजेस्टेड फूड को क्या करने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए एंड इट्स ट्रांसफर इन टू ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इन टू बॉडी और वहां से वो ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है फूड सो दैट वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाए फॉर दिस द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विली इसकी वजह से क्या होता है जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो खूब सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कंटेन करती है जिसको हम विलीज कहते हैं द विलीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी और जो विलीज हैं वहां पर काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं थिन थिन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो इस डाइजेस्टेड फूड को हर एक सेल में लेकर जाती हैं वॉट एडवांटेज ओवर एन अ ऑर्गेनिज्मल ऑर्गेनिज्म रिगार्ड टू ऑपटेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन कि भाई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा कौन सा एडवांटेज होता है ओवर द टेरेस्टियल ऑर्गेनिज्म फॉर ऑप्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन तो चलो उसको करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजॉल्ड इन सराउंडिंग वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑक्सीजन यूज करता है जो वाटर में डिजॉल्व होता है सिंस एयर डिजॉल्व इन वाटर हैज फ्योअरली लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अब जो एयर प्रेजेंट होती है वाटर में उसमें तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है द एक्टिक ऑर्गेनिज्म है मच फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग इसी वजह से जैसे हमने स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया था इसकी वजह से जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गैनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर थ्रू रेस्पिट्री ऑर्गन्स अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड पे ले रह रहे हैं जैसे हम ह्यूमन् एनिमल्स हैं हम डायरेक्टली ले ऑक्सीजन ले लेते हैं जो एयर में प्रेजेंट होता है हैंस दे हैव मच लेस ब्रीदिंग रेट देन इक्वेटिक ऑर्गेनिजम हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है आम आराम से सांस रह सकते हैं हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो होता है बट इक्वेटिक ऑर्गेनिजम में उस ऑक्सीजन की कमी को कम पूरा करने के लिए उनका ब्रीदिंग रेट हाई रहता है चलो आगे बढ़ते हैं आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम ठीक है दिस इज योर होमवर्क ठीक है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है बीच बीच में कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको एक चार्ट बनाना है पाथवे ऑफ ग्लूकोज वाला वो जो चार्ट है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये आप होमवर्क में करके आएंगे नेक्स्ट हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द लंग्स तो देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है इट कैरीज ऑक्सीजन टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट अब टिश्यूज या सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो हाई कंसंट्रेशन टू तो लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को सेल के अंदर भेज देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉलेबल इन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉलेबल है तो वो ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है बट अगर आपको ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है उसके लिए हमें हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है देयर फॉर इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्राम बॉडी टिश्यूज एंड डिजोल्व फॉम इन अ ब्लड प्लाज्मा टू द लंग्स वो प्लाज्मा में ब्लड में वाटर भी है प्लाज्मा कंटेन्स वाटर तो नाइन्टी परसेंट तो प्लाज्मा में वाटर ही होता है तो उसी वाटर में डिजोल्व होकर कैरी हो जाती है हेयर डिफ्यूज फ्राम ब्लड टू एयर इन द लंग्स ठीक है चलो आगे बात करते हैं हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर ऑफ गैसेज ह्यूमन बींग्स में लंग्स को किस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड हो सके गैसेस के एक्सचेंज के लिए तो चलिए इसको जल्दी से करते हैं विद इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्काइप Lungs के अंदर क्या होता है जो एयर पैसेज होता है वो डिवाइड होता है किस में डिवाइड होता है स्मॉल और स्मॉल जिसको ट्यूबकाई कहते हैं इन टर्न फॉर्म और ब्रोंकाई के भी आगे ब्रांचेस प्रेजेंट जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं द ब्रोंक्यूल टर्मिनेट मतलब एंड इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं है. मतलब end, -like पर, -like होते है जिनको एलवली कहते हैं द एल्वली प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जो एलविलीज होती हैं ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो पाए द एलविल हैव वेरी थिन वॉल्स एंड कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिट एक्सचेंज ऑफ गैसेज और जिससे कि इजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाए तो एलविली की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और वो खूब सारी कैपेलरीज की बनी होती हैं वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीडेटेड ब्लडेड मैमल्स एंड बर्ड्स Mammals में बर्ड्स में फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में फिश में ठीक है कौन सा चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है कितने चैंबर हार्ट प्रेजेंट होता है थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट क्योंकि वहाँ पे थोड़ी वहां पर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेडेड ब्लड चलता है बट मैमल्स में और बर्ड्स में वी कैनॉट मिक्स ऑक्सीजनेटेड एंड डी ब्लड तो ये इसका रीजन हमें बताना है तो चलिए जी इसका आंसर जल्दी से करते हैं सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलाउज गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीटेड ब्लड अलग रहेगा तो ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी में सप्लाई हो पाएगा दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ये सिस्टम उन एनिमल्स में जरूरत है जहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है मैमल्स एंड बर्ड्स कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी और Mammals और बर्ड्स को तो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी के लिए टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट जिससे कि उनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में क्वेश्चन आ गया हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क ये वाला क्वेश्चन भी बच्चा आपका होमवर्क में है कि वॉटर और मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसमें आपको रूट प्रेशर और ट्रांसपेरेशनल पुल को एक्सप्लेन करना है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स ये भी आपका होमवर्क है दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क कि आपको क्या करना है नेफरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब करना है वॉट आर द मेथड यूज बाय प्लांट्स हु गेट रेड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से मेथड प्लांट यूज करते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को हटाने के लिए तो पिछले दो क्वेश्चन होमवर्क थे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ तो फोर पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले है. पहला पॉइंट द प्लांट्स गेट रेड ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स टू टोमेटा इंड लीव एंड एंटिकल इन स्टेम गैशियस प्रोडक्ट जैसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो लेंटिकल्स जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं और स्टोमेटा के थ्रू बाहर फेंक देता है द प्लांट्स गेट रेड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीज पीलिंग ऑफ बार्क एंड फिलिंग ऑफ फ्रूट्स अब क्या करता है प्लांट जैसे कि पत्ते पत्ते पुराने होते हैं उन, उनको नीचे गिरा देता है या उसकी बार्क इतनी वीक हो जाती है कि अपने हाथों से हटा सकते हो एंड फिलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रूट जब पक जाते हैं वो भी टूट के नीचे गिर जाते हैं द प्लांट्स गेट रेड ऑफ वेस्ट बाई सीटिंग दैम इन टू फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजन कभी कभी आपने देखा होगा प्लांट में ट्रीज की बार पर एक स्टिकी सा लिक्विड वहाँ पर प्रेजेंट होता है, है नो गम और हमारे रेजनज हैं प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटीरियल इंटू दॉइल अराउंड दैम और प्लांट्स क्या करते हैं रूट्स के थ्रू भी वेस्ट मटीरियल को एक्सक्रीट करते हैं और वो रूट्स के थ्रू जो वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है रूट्स में ही प्रेजेंट होता है और वो सॉइल में उसको भेज देते हैं चलो जी अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन प्लांट्स अक्रॉस द दर्फेस ऑफ स्टेम रूट्स रूट लीव आपको बताना है 2015 में 2015 में क्वेश्चन आया था कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है प्लांट्स में अक्रॉस स्टेम रूट्स एंड लीव्स तो देखो इन प्लांट्स देर आर टाइनी पोर्स स्टोमेटा तो प्लांट्स में क्या है छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम स्टोमैटा कहते हैं ऑन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम स्टेम के लेंटिकल्स में और लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन और ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में उल्टा होता है ऑक्सीजन इज टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट चलो अब आपको इसमें क्या करना है दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको ए बी सी डी में से चूज करना है सी बी सी का क्वेश्चन है द फिगर बिलो द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्केमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विद लेबल्स वन टू फोर आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन तो पहला पहला क्या आ गया फर्स्ट इज यहाँ लिखे पल्मनरी वेन गलत ठीक है पल्मनरी वेन एक मिनट चेक कर लेते हैं पल्मनरी वेन तो सही है पलमनरी वेन सही है लंग्स से हार्ट में आ रही है बट इसका फंक्शन देखते हैं टेक्स इम ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट गलत प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स से हार्ट में तो ये ऑप्शन गलत हो गया पलमनरी आर्टरी सेकेंड वाली नहीं सेकेंड वाली है जो हार्ट से ब्लड को ऑर्गन में लेके जाती है अओटा दिस इज रॉन्ग थर्ड अओटा तो ये तो गलत हो गया थर्ड ओटा हो ही नहीं सकती फोर्थ वेना काबा फोर्थ वेना कावा है बिल्कुल सही ऑर्गन से ब्लड को लेके आ रही है हार्ट में तो वैना कावा है ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल बिल्कुल सही फोर्थ ऑप्शन सही है फोर्थ ऑप्शन सही है फर्स्ट वाले ऑप्शन की लेबलिंग सही थी बट फंक्शन गलत था सेकंड और थर्ड की तो लेबलिंग ही गलत है फोर्थ वाले ऑप्शन की लेबलिंग भी सही है और हमारा फंक्शन भी सही है कि ये ब्लड लाती है बॉडी पार्ट से और किस में एंटर होता है राइट right ऑरिकल में हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स तो ये आपको एक्सप्लेन करना है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज प्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ द हार्ट गिवन बिलो एरो इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैंबर अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब एक तरफ से ब्लड जा रहा है कहाँ पर

तो वो रिलैक्सेशन वाला फेज होता है और जब वो निकल रहा होता है तो कॉन्ट्रेक्शन वाला फेज होता है तो आंसर क्या है इसका बी लिस्ट इन टैबलेट फॉर्म थ्री डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन तो आर्टरीज़ की थिक वॉल्स होती हैं वेंस की थिन वॉल्स होती हैं आर्टरीज़ में हाई प्रेशर रहता है वेन्स में लो प्रेशर रहता है आर्टरीज़ में देर इज़ नो चांस कि बैक फ्लो हो ब्लड का वेंस में देर इज़ अ चांस बैक फ्लो हो ब्लड का इसलिए आर्टरीज़ में कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं आर्टरी ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती है वेन्स ब्लड को हार्ट में लेकर आती है तो मैंने आपको बता दिया है बट कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़े हैं जिससे कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द वॉल्स ऑफ एलवोली एंड इन ऑफ नेफ्रॉन कि जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एलवली के आसपास और नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कॉमन क्या है पहला थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड थिन वॉल्ड वेन्स पोअरली सप्लाइड विद वर्ल्ड ब्लड पहली बात है आर्टरीज और वेन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और वो भी बहुत पतली कैपिलरीज प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे लिखा है थिक वॉल्ड कैपिलरीज तो ये भी गलत हो गया तो आंसर आ गया डी थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है थिन वॉल्ड कैपलरीज पतली पतली वॉल्स वाली कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं जिसमें खूब सारा ब्लड होता है नेक्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड लेबल रेनल आर्ट्राट एंड सबका है किसका फंक्शन बताना है किडनी का यूरेटर का, 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 का तो सबसे पहले तो भाई आप रेस्पिरेटरी सॉरी एक्सक्रेटरी सिस्टम बना देना देखो सारी चीजें पढ़ के जाना डायजेस्ट सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए हूमन हार्ट का डायग्राम आना चाहिए एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए नेफरॉन का डायग्राम आना चाहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमीबा का डायग्राम आना चाहिए ये सारे डायग्री

ऑर्गन से किडनीज में लेकर आती है उसी अवटा को रेनल आर्टरी कहते हैं दिस ब्लड कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट एंड इज सेंट टू द किडनीज टू बी फिल्टर बिफोर इट इज पासिस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ये जो ब्लड है ये डायरेक्टली हार्ट से आ रहा होता है और ये ब्लड पहले किडनीज में लाया जाता है फिल्टर किया जाता है उसके बाद ये बॉडी पार्ट्स में भेजा जाता है किडनी क्या है द किडनी इज परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड रेगुलेटिंग द वॉटर फ्लूइड लेवल्स किडनी का एसेंशियल फंक्शन किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है ब्लड से और वाटर फ्लूड के लेवल को मेंटेन करके रखती है द किडनीज रेगुलेट द बॉडीज फ्लूइड वॉल्यूम तो किडनी क्या रेगुलेट करती है कि बॉडी में फ्लूइड लिक्विड का वॉल्यूम मेंटेन रहे मिनरल कॉम्पोजिशन एंड एसिडिटी बाय एक्सक्रीटिंग री एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो क्या करती हैं एक्सक्रीटिंग एक्सक्रीशन का प्रोसेस करती हैं वाटर जितने से ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाए वो एब्जॉर्ब करती हैं और जो इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं करती बल्कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं आपका जो ट्यूब्यूल्स होते हैं पीसीटी डीसीटी वहां पे यही होता है यूरेटर यूरेटर क्या है बच्चे यूरेटर इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरा ब्लैडर यहां पे देखो यूरेटर ये ट्यूब है जो किडनी को कनेक्ट करी यूराइनरी ब्लैडर में तो ये यूरिन को किडनी से यूराइनरी ब्लैडर में लेकर जाती है देर आर टू यूरेटर्स वन अटैच टू ईच किडनी दो यूरेटर्स होते हैं दोनों एक ही किडनी से अटैच होते हैं Urinary bladder. What is urinary bladder? The urinary bladder is an expandable muscular sac. तो यूराइनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज़ एक्सपैंडेबल जो एक्सपैंड हो सकता है दैट स्टोर यूरिन बिफोर इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट तो जब तक हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट नहीं करते वो सारा यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है यूरानरी ब्लैडर में स्टोर होता है एंड देन इट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथरा तो यूरेथरा के थ्रू यूरानरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं सीबीएसई 2021 में आया था एमसीक्यू के फॉर्म में प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू एनिमल्स तो आपको पता है सॉरी एक्सक्रीशन सॉरी मैंने रेस्पिरेशन बोल दिया एक्सक्रीशन कि प्लांट्स में एक बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन यूज़ होता है जो एनिमल से बिल्कुल अलग होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाई प्लांट इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स फॉलो नहीं करते पहला दे कैन गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपिरेशन ये तो बिल्कुल सही है सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटैंसेज फ्रॉम दे लीव्स क्या ऐसा होता है कभी भी क्या टॉक्सिक लीव्स से फिल्टर होते हैं गला दिस इज नॉट ट्रू ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर रेजेंस एंड गम्स इन ओल्ड आइलम ये बिल्कुल सही है दे एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट विद अराउंड बिल्कुल सही है तो इस देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के लिए ना लाइफ प्रोसेस के लास्ट में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है. है ना उस पैराग्राफ में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो आपको क्या करना है वो वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है तो आपका पूरा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हो जाएगा अगला जो है क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन और सीबीएसई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है स्टेट द देंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना थ्री टू फोर मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपको ब्लड का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन करना है और आपको लिम्फ का फंक्शन इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है तो चलिए जी शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले मैं आपको ब्लड का फंक्शन बताने वाला हूं ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड तो ऑक्सीजन क्या होता है ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है हर एक सेलो टिश्यू में लेके जाता है क्योंकि फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन होगा पहला फंक्शन सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स बाय ब्लड प्लाज्मा अब रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई सेल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कौन लेके जाएगा ब्लड का प्लाज्मा ही लेके जाएगा अगेन अ फंक्शन ऑफ ब्लड द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द टिश्यूज और जितने भी डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारा विलीज जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हर एक सेल में कौन लेके जाता है ब्लड लेके जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट आज ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है लाइक like यूरिया वो हमारी किडनीज तक कौन लेके जाता है वो भी ब्लड लेके जाता है इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन्स पी एच ऑफ द बॉडी टिश्यूज हाँ हमारे बॉडी टिश्यूज़ का पी एच भी ब्लड मेंटेन करके रखता है और ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है इट ट्रांसपोर्ट वेरियस हार्मोन्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर एंड ब्रिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन अब जरूरी नहीं होता ना सारे हार्मोन्स उसी पॉइंट पर सिक्रीट होंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट है ठीक है वो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा करते हैं है ना जिनमें डक्ट्स होते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर हार्मोन सिक्रीट कर दिया जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं वो बिना किसी डक्ट के हारमोन सिक्रिएट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में फिर वो ब्लड के थ्रू टारगेटेड साइट पर जाता है तो ब्लड हारमोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस टू कांस्टेंट लेवल ब्लड के प्लाज्मा में 90 परसेंट वाटर होता है तो बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन करने में मदद करता है द लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स क्या है यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज़ क्या हो गया जो इम्यून सिस्टम है हमारा अगेंस्ट द इन्वेडिंग एंटीजेंस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस तो हमने पढ़ा है ना जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे लिम्फोसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं वो एक इम्यून सिस्टम जनरेट कर देते हैं जो डिजीजेस के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करता है इट हेल्प्स इन रैपिड हीलिंग ऑफ वोन्स बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी अब आपको पता है ब्लड में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट का क्या काम है जैसे ही कोई इंजरी हो जाए तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं वहां पर एक क्लॉट बना देते हैं ठीक है तो ये बड़ा क्वेश्चन था तो मैं बच्चा 30 सेकेंड के लिए रुकूंगा ठीक है यहां वीडियो पॉज कर लो एक बार सारा ब्लड का फंक्शन पढ़ लो फिर मैं आपको लिम्फ का फंक्शन बता दो तो। और देखो कोई भी आपको डाउट आ रहा है सिंस दिस इज़ अ रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको लाइव नहीं है ये वाला लेक्चर कुछ कुछ लेक्चर्स मेरे लाइव होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगर अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करो अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं ठीक है अगर आप में से कोई भी बच्चा इस वक्त ये मेरी बात सुन रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो सर हाँ हम आपकी बात सुन रहे हैं हम स्टार्टिंग से अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और अपने आप पे एक प्राउड फील करो कि भाई मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तब से मैं लगातार ये वीडियो बैठ के देख रहा हूँ या देख रही हूँ सो so, अगर आप अपने आप पे प्राउड फील कर रहे हो क्योंकि मुझे आप पर इस वक्त प्राउड हो रहा है कि इस वक्त तक आप इस वीडियो में बने हुए हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं आपका नाम ज़रूर जानना चाहूँगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और कोई डाउट होगा तो, तो ज़रूर लिखना जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँ तो मुझे पता चले यू आर इंटरेस्टेड और आपको उम्मीद बैच में मज़ा आ रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं लिम्फ का फंक्शन ठीक है लिम्फ का फंक्शन पढ़ते हैं इट क्लीन द सेलुलर एनवायरमेंट देखो सेल के आसपास जितना भी मटेरियल होता है लिम्फ उसको वापस ब्लड में दे देता है तो सेलुलर इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है इट रिटर्न्स प्रोटीन्स एंड टिश्यू टू द ब्लड ड्रेनेज कोई भी प्रोटीन जो सेल के बीच में फंसा हुआ है कोई टिश्यू फ्लूड जो सेल के बीच में है जो भाई ब्लड के काम का है लिम्फ सबको कलेक्ट करके ब्लड को दे देता है इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द एबजॉर्ब्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉलेबल विटामिन्रीम फैट्स भी इसमें कैरी हो सकते हैं इट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज इम्यून सिस्टम के लिए लिम्फ बहुत ज्यादा जरूरी है वाई बिकॉज लिम्फ क्या कंटेन करता है वाइट ब्लड सेल्स तो इम्यून सिस्टम के लिए तो लिम्फ बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक बार लिम्फ का भी जल्दी से फंक्शन पड़ो फिर हम करते हैं ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन जो वन मार्क का क्वेश्चन है चलो लेट्स डू वट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स अगला क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन क्या है वन मार्क का है सीधे एक डेफिनेशन एक सेंटेंस में लिखना है ट्रांसलोकेशन द मूवमेंट ऑफ सॉलेबल मटीरियल फूड सॉलेबल मटीरियल मतलब फूड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां से कहां फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज थ्रू आउट द प्लांट तो ट्रांसलोकेशन फ्लोएम करता है फ्लोएम टिश्यू क्या करता है जो भी सोलेबल मटीरियल फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है उसको लीव्स से सारे टिश्यूज तक लेके जाता है ठीक है नेक्स्ट वॉट हैपन्स टू ग्लूकोज दैट एंटर्स द नेफ्रॉन अलॉन्ग विद फिल्ट्रेट सी बी एस ई टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है कि मान लो फिल्ट्रेट के साथ कोई ग्लूकोज भी एंटर कर गया नेफ्रॉन में तो क्या होगा उसका रीअब्सॉर्बशन होगा है ना तो क्या लिखना है ड्यूरिंग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींगस ग्लूकोज विच एंटर्स द नेफ्रॉन एलोंग विथ फिल्टर गैट रीअबॉर्ब अ ब्लड कैपलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन ये कहाँ पे था ट्यूब्यूल्स में अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखोगे तो आपको वहाँ पे खूब सारी ब्लड कैपिलरीज दिखेंगी है ना तो नेफ्रॉन के आर पार खूब सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं ट्यूब्यूल में तो ये प्रोसेस ट्यूब्यूल में होता है कि कोई भी ग्लूकोज जो बॉडी के काम का है अगर वो एंटर कर गया है तो ऐसा नहीं वो वेस्ट चला जाएगा वो यूरिन में नहीं जाएगा द, आ, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जाएगा वहीं पर रीअबजॉर्ब हो जाएगा सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन इट वॉज एन अमेजिंग सेशन क्योंकि हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे ठीक है सो थैंक यू एवरी वन फॉर दिस सेशन ठीक है आप इस सेशन में बने रहे लाइफ प्रोसेस के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चन को कर लेना ट्रस्ट मी आपका बोर्ड एग्जाम में लाइफ प्रोसेस की टेंशन खत्म हो जाएगी क्योंकि यही क्वेश्चन है जो सी बी एस ई में आए हैं यही क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीआर टी के यही क्वेश्चन uh, है जो सैंपल पेपर के हैं तो मैंने सारे इकट्ठे मतलब आप ये मान लो तो हर तरह का क्वेश्चन इस सेशन में आपके लिए डाल दिया था हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है तीन क्वेश्चन का होमवर्क दिया है जो होमवर्क आपको कर कर आना है तो क्या करना है बच्चे आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक like जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेलाइकन भी जरूर प्रेस कर देना है थैंक यू एवरीवन बाय बाय ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स